Hi, I am Amitosh. You're watching Tele Reporter. Hi, I'm Ashita. You're watching Tele Reporter. अब तक हमने छुपा के नहीं रखा, हमें पता नहीं है वो राज, हमें मालूम नहीं है, इनको भी नहीं मालूम है, ये तो बाहर से आ रही है मेरे घर में, फैमिली को भी मालूम नहीं है, पर कोई राज है, कोई राज है बंद दरवाजे के पीछे, कोई है जो मेरी शादी नहीं होने देना चाहता। मैं इस शो में रॉकी का रोल कर रहा हूँ, एक लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही है, घर वाले मिलकर उसकी शादी करवाने की कोशिश करें, उन्होंने एक खूबसूरत सी मैच मेकर ढूंढी है जो एक लड़की ले आए उनके लिए और शादी कर। मैच मेकर का काम है मैच बनाना। अब देखो, हो तो कुछ भी सकता है लाइफ में, है ना, जब एक बंदा है जो ढूंढ रहा है बेचारा, तो कुछ हो सकता है, पर पता नहीं। मैं इसको अपनी हीर से मिला के रहूंगी। ये मेरा काम है, I'm passionate about work. She's passionate about work, not about Rocky. Sorry. थोड़ी कभी-कभी की है कोशिश, पर कोई सिखा रही है फ्लर्ट करना, क्योंकि मैच मेकर बहुत ही जिंदा दिल लड़की है और ये बहुत ही इंट्रोवर्ट शाई टाइप के लड़के हैं, तो मैच मेकर सिखा रही है। कभी मुझे कंफ्यूजन होता है कि कुछ चल रहा है ऐसे थोड़ा सा, बट देन आई रियलाइज अच्छा है इसके काम करने का तरीका है, नथिंग वैसा है नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी घंटी बजती है कभी, पता नहीं, नॉट श्योर। मुझे बहुत मज़ा आया लिखते वक्त, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं लिख के ये सुनाने गया था, तो जो लोग सुन रहे थे सामने से, उन्होंने कहा आप एक्टिंग भी कर लो, तो आई एम एन एक्टर हू राइट्स। जनरली मैं लिख ही रहा था इसीलिए जीवन में कि मेरे को कोई कर ले कास्ट, मुझे पता नहीं था ऐसे चल के आ जाएगा सामने से, तो मज़ा है, आई एम एन्जॉइंग इट, आई हैविंग फन। सिर्फ मैं अपना किरदार नहीं एंजॉय कर रही हूँ, मैं सबका किरदार एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि इतना ब्रिलियंटली लिखा है और क्या कॉमेडी टाइमिंग है, मतलब यू मस्ट सी इट टू बिलीव इट, ऐसे बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे टाइप का कॉम्बिनेशन फ्यूजन अभी तक बना नहीं है, तो दिस शो इज़ गोइंग टू बी रॉकिंग, एंड प्लस इतने अच्छे सीनियर एक्टर्स हैं, सारे के सारे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और बहुत ही मज़ेदार इस शो के बारे में बात है कि जिस तरह के एक्टर्स हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा कभी कभी ऐसे जब मैं करने वाला था तो थोड़ा डराया जाता था कि टीवी के अंदर यूँ काम हो जाता है, जल्दी हो जाता है, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मज़ा है कि हम अच्छे से अपने सीन रिहर्स करते हैं, अच्छे से उन पर काम करके फिर हम वो सीन बनाते हैं, एंड एवरी एक्टर जो भी रेकरिंग कास्टिंग भी हैं जो आ रहे हैं बीच में, और जो फैमिली है, और मुकेश तिवारी जो भूत का रोल कर रहे हैं, सबके सब लोग बड़ी मेहनत, बड़ी ईमानदारी से अपनी लाइन्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो मेरे लिए चूँकि मैंने लिखा है, मुझे बहुत बहुत ये खुशी होती है कि उसको बड़ी कायदे से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप इट विल रीच। मुझे बहुत डरावना लगता है जब आप लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हो और आपको हंसी नहीं आ रही हो, मतलब लोगों को हंसी नहीं आ रही हो, दैट्स स्कैरी फॉर मी, आई डू थिएटर, सो कभी कभी बहुत डरावना है कि आप कोई जोक क्रैक कर रहे हो और सामने वाले को पहुँच नहीं रहा, सो दैट्स स्कैरी फॉर मी। जनरली तो मैं फियरलेस आदमी हूँ, कुछ खास डर वर लगता नहीं है, वैसे लगता है गली में कुत्तों वुत्तों से, पर मेरा मतलब भूत वूत का कुछ नहीं, ऐसे कोई हॉरिफिक एक्सपीरियंस है नहीं, ऐसे तो कोई है नहीं, हाँ जैसे ये चिपकली हुई या ऐसे स्टुपिडिटी, वो इनफैक्ट वो कॉमेडी हुआ इन अ वे, नॉट इवन हॉरर। अंत में दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि 6:30 बजे जो चालू होगी चीज़, उसका अंत होते ही हम शुरू हो जाएंगे 7 बजे। तो 26 जनवरी को 7 बजे शुरू होगा, प्लीज़ सारे काम छोड़ के बैठ जाएँ और देखें हम क्या कर रहे हैं। शुक्रिया। नहीं तो हम आपके घर आ जाएंगे डराने, बंद दरवाज़ा लेके, कुछ और देख नहीं पाओगे। हाँ जी बिल्कुल। बंद दरवाज़ा तभी होता है जब बैंड बजता है, और बहुत ज़्यादा कोई राज नहीं है, वही मैं पहले भी कह रहा था कि बस जो ये भूत हैं, ये संजीव शर्मा नाम हुआ करता था इनका, इनकी शादी हो नहीं पाई है, अकेले होके मरे हैं, लोनलीनेस मार गई, सो अब उनको जहाँ भी खुशी दिखती है कि भाई यहाँ पे सज सकता है, यहाँ पे मंडप लग सकता है, यहाँ पे, तो वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। अब ऐसे भी नहीं कि पूरे मोहल्ले से बुराई है, पूरे शहर से बुराई है, बुराई तो एक आध फैमिली से ही होगी, सो वो जो ईर्ष्या है एक परिवार से है, सो इन परिवार में जब भी बैंड बाजे की बात होती है तो ये दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट ए बैटमैन, इंडियन बैटमैन है या सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, सुपरमैन हमने मतलब इट्स नॉट ए सुपरमैन सीरीज काइंड ऑफ दैट, लेकिन हमने कोशिश की थी कि इसको आम रखते हुए भी थोड़ा एक फैंटेसी का लुक दिया जाए, कि इतना भयावह ना बना जाए कि खून गिर रहा है या मास्क लगाए हुए हैं, तो हमने क्योंकि कॉमेडी जोन है, बच्चे भी देखते हैं, फैमिली भी देखती है, तो एक इंटरेस्टिंग लगे, उनको लगे नहीं यार ये भूत अपना है, ऐसा लगे कि इस भूत को भगाओ यार, तभी सीन पूरा हो पाएगा, तो उनको लगना चाहिए कि नहीं आसपास घूमता ही हुआ भूत है,
प्रेशर तो होता है कि देखो अब इतनी फिल्में मैं 190 फिल्में कर चुका हूँ, लगातार अभी कर ही रहा हूँ, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि लोग पूछते हैं भाई व्हाई आर यू डूइंग टीवी, और क्या करने की ज़रूरत हो गई, क्या आपको काम नहीं मिल रहा है, क्या आपको और पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे मेरा इंट्रोगेशन हो रहा है, प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो एक दो बार मैंने सोचा भी, क्योंकि पहले मैं मना कर देता था, लेकिन इस तरीके की जो स्टोरी थी और 26 एपिसोड ही हैं इसके, तो आई कैन अफोर्ड कि 26 एपिसोड हैं, एक महीने में हमने शूट पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो वो एक प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है कि मुझे 1000 एपिसोड करने हैं, रोज़ आपके घर पर 9 बजे आना है, छोटे पर्दे पर दिख जाना है। और अभी मुझे लगता है वो डिस्टिंक्शन जो है कि ये छोटा पर्दा है ये बड़ा पर्दा है, वो ख़त्म होने लगा है। हाँ, लेकिन मेरे ऊपर ऑब्वियसली मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, प्रेशर था। हज़ारों लोगों ने क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि व्हाई आर यू डूइंग टीवी जब आप फिल्म्स कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत क्या है। तो थोड़ा सा मुझे भी उनको कन्विंस करना मुश्किल होता है, उनको लगता है जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी भी मैं इस बात पर मेरा कन्विक्शन है कि स्टोरी इज़ डैम गुड, और जिस तरीके से अमितोष नागपाल ने लिखा हो उसको, तो मुझे उसने बहुत आकर्षित किया। भूत तो कभी नहीं मिला लाइफ में, लेकिन डर तो है ही, जो आपके बहुत सारे डर होते हैं बचपन से, बोलते हैं वहाँ से जूजू आ जाएगा, वहाँ से देखो बाबा आ जाएगा, वहाँ से देखो गब्बू आ जाएगा। सो और ये एक अजीब सी बात है कि बचपन में ही आपको इतना डरा दिया जाता है, लेकिन जिंदगी में मैंने इतना संघर्ष किया है कि फिर डर लगना ही बंद हो गया। वेब सीरीज मैं करूँगा, थोड़ा सा उसमें से सेक्स और थोड़ी गाली गलौज भैया लोग पूरी दे लें तो फिर स्टोरी बचेगी तो करूँगा। आपने तो कह दिया खूबसूरत शो है, छोटा सा शो है, लिमिटेड सीरीज है, सब तो आपने कह जो आपने कहा हम सब एंडोर्स करते हैं, बिल्कुल अग्री करते हैं। अच्छा, तो हॉरर कॉमेडी होने वाला है जी, तो कितना कुछ हॉरर है, कितना मजा आया आपको हॉरर से? बहुत हॉरर है, बहुत मजा है बहुत हंसी है। अभी फिल्म सिटी वाला भी हॉरर बहुत ज्यादा था। मैं ही कहूँगा ये तो बहुत कह देंगे, इनके पास तो खजाना भरा हुआ है कहने के लिए। दरअसल मैं हमारी जो रिलेशनशिप है सासू माँ और दामाद की, ये वैसे अमूमन आपने बहुत से घरों में देखी होगी, जहाँ जहाँ घर जमाई हुए हैं, तो इनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मैं इनकी बेटी के साथ शादी की और इनको ये पसंद नहीं था, लेकिन मैं तो अपनी भरपूर कोशिश में लगा हूँ, 25 साल लगा दिए मैंने, बच्चे भी बड़े हो गए मेरे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, बस यही जद्दोजहद में हम फंसे होंगे कि 26वें एपिसोड तक काश मान जाए। और मैं इन दोनों के बीच में ऐसी पिसती हूँ, ऐसी पिसती हूँ। बहुत ज़बरदस्त सैंडविच बन चुकी हूँ, मुझे माँ भी अपनी उतनी ही प्यारी है जितने अपने हस्बैंड प्यारे हैं। यही इसकी प्रॉब्लम है, हर वक्त ये माँ के प्यार के साथ हस्बैंड को क्यों जोड़ती है, माँ से ज्यादा कैसे हो सकता है वो? रीत है, दुनिया की रीत है। तुम मम्मी अब तो छोड़ दो, 25 साल हो गए हैं, अब तो एक्सेप्ट कर लो, 25 साल हो गए हैं मेरे को मनाते, मेरी मर्जी से मैं घर जमाई लाई होती तो एक्सेप्ट करती, इसकी मर्जी से आया तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? इसकी मर्जी से भी नहीं आया, नाना जी की मर्जी से आया, आपकी मर्जी थोड़ी ना आया। अब ये फिर शुरू हो गया और इस मेरी ये जो गोलियां है ना, गोलियां, पिस्तौल नहीं है इनके पास, इसने डर के मारे मेरी बंदूक जमा करा दी है दुकान पे, क्योंकि जिस दिन मेरे हाथ बंदूक आई और मैंने इस पे चला देनी, मैं नहीं डरती, ना मैं मीडिया से डरती हूँ, ना मैं पुलिस से डरती हूँ। अपनी बेटी के प्यार से तो डरो। आज तो डराने के लिए चिल्लाऊंगी ना, मारूंगी नहीं, कोने से चली जाएगी गोली। चल कुछ बोलना है? हाँ, निक्की को दो ना। एक्चुअली प्यारी भोली मेरे कैरेक्टर को फिट नहीं करती, मैं बहुत चुलबुली, बहुत लाइक सबकी टांग खींचती हूँ और बहुत बहुत चंचली हूँ इस सीन में, रियल लाइफ में भी वैसी हूँ। वैसे मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट ये लोग इतने अच्छे एक्टर्स हैं, मतलब बहुत मज़ा आता है इनके साथ। बहुत प्यारे रिएक्शन देती है, इसकी तरफ कैमरा जाता है और ये इससे हम सीखते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे मत बोलो, आजकल के बच्चे लोग हैं ना वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये शी इज टुडेस मिलेनियम गर्ल। अच्छा, एक हॉरर कॉमेडी में तो ऐसे प्यारी सी आपकी कोई मेमोरी हो अगर तक शेयर करना चाहोगे, हंसी मजाक कॉमेडी ऐसे ही अपने पहले शेयर करें। रोज करती है।
रोज ही होती है पर मुझे वो दिन याद है हमारे प्रोमो वाला दिन जहाँ उल्टा टांगा था वो हमें सब तब हमने शूटिंग भी नहीं स्टार्ट की थी और हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन प्रोमो वाले दिन हमें एक एहसास हो गया कि हमको क्या क्या करना पड़ेगा, तो उल्टा लटकाया था हम लोगों को। अच्छा, घर में भूत भी है तो उसके बारे में क्या कहोगे, भूत कौन है और क्यों शादी के नाम से क्यों इतना खौफ है आपको? अब सारी बातें ना बता देना सर था। नहीं नहीं, हाँ भूत ये है कि जब जब शादी का नाम आता है वो अपने एकदम जिसको बोलते मैं वही रौद्र रूप में प्रकट हो जाता है और फिर जो वो करता है फिर बस पूछो ही ना, हमारे घर की कायाकल्प कर देता है वो पूरी तरह। अब आज इतने जो मीडिया वाले आए हैं आज उसको कुछ करना चाहिए, अपना एक छोटा सा नमूना तो दिखाना चाहिए। मत बताओ नानी, फिर बहुत गंदा काम करने लग जाएगा वो। दिखाना चाहिए आज के अंत में। कब शो आने वाला है? ये आने वाला है 26 जनवरी को, सैटरडे संडे 7 बजे। ये एक वीकेंड शो है, लिमिटेड सीरीज़ है, सिर्फ 26 एपिसोड्स की, इसलिए मैं हम सब ये आपको दरख्वास्त करेंगे कि इमीडिएटली जुड़ जाइए इससे, क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे इसके ख़त्म होने का टाइम आ जाएगा। तो बस प्लीज़ ये मत सोचना कि हाँ अगले एपिसोड से देखेंगे, अच्छा अब देखते हैं बाकी बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत छोटा स्पैन है हमारे पास अपनी कहानी के। पहली ही कहानी में दो एपिसोड में कहानी का सुनी पर नई कहानी शुरू, नई कहानी से जुड़ेंगे, हम चाह रहे हैं कि शुरुआत से ही वो जुड़ जाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपसे भी गुजारिश है आप अपने जरिए अपने माध्यम से भी लोगों तक ये बात बड़ी दुरुस्त वे में फैला दें कि जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ें, और वो 26 जनवरी का टाइम है, सैटरडे संडे शाम को 7 बजे।